दोस्तों स्मार्टफोन लेने का सबसे बढ़िया टाइमिंग अभी है क्योंकि फ्लिपकार्ट में 16 अक्टूबर से बिग बिलियन सेल ऑफर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 10 टू 15,000 कैटेगरी और 15 टू 20,000 कैटेगरी में सबसे अच्छा कौन सा फोन होगा वो हम इस वीडियो पर बोलेंगे। तो दोस्तों अंडर 10,000 कैटेगरी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बोलेंगे 15,000 का कैटेगरी में कौन सा फोन बेस्ट होगा, उसका बाद में 20,000 कैटेगरी में जाऊंगा। तो दोस्तों 15,000 कैटेगरी में सबसे पहले वाला फोन है Realme 7। इसका प्राइस है 14,999 रुपीस और SBI का जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 13,000 ओनली। इस फोन में आपको इंटरनल मेमोरी 64GB मिलेगा और 6GB रैम मिलेगा और उसका साथ आपको बढ़िया कैमरा सेटअप मिल जाएगा क्योंकि 64MP का सोनी का IMX582 वाला सेंसर है और इसमें आपको मिलेगा 8MP का वाइड एंगल कैमरा, 2MP डेप्थ कैमरा और 2MP मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा और फ्रंट कैमरा आपको 16MP का मिलेगा और इसमें आपको प्रोसेसर जो मिलता है वो G95 का प्रोसेसर मिलता है और बैटरी का सेक्शन पे 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। उसका बाद Realme का Narzo 20 Pro, इसका प्राइस है 14,999 रुपीस और इसमें डिस्काउंट का बाद इसका प्राइस हो जाएगा 13,000 रुपीस और इसमें जो इंटरनल मेमोरी है वो है 64GB और 6GB रैम और इसमें 48MP का कैमरा है, कैमरा सेक्शन क्वाड कैमरा का सेक्शन है और 48MP जो मेन कैमरा है और 8MP का वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, 2MP का डेप्थ मिलेगा और 2MP का मैक्रो मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा मिल जाएगा। इसका जो प्रोसेसर है वो है G95 प्रोसेसर, Realme 7 में जो प्रोसेसर मिलता है सेम प्रोसेसर G95 का प्रोसेसर और इसमें आपको बैटरी थोड़ा कम मिलेगा 4500 mAh का बैटरी बट इसमें अच्छा फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगा, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको अंडर 15,000 में मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा थर्ड फोन है पोको M2 Pro। पोको M2 Pro बहुत बहुत अच्छा फोन है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 12,999 रुपीस, इसमें जब आप बैंक का डिस्काउंट लगाओगे इसका प्राइस हो जाएगा 11,699 रुपीस, ठीक है। और इस फोन का जो मेमोरी का सेक्शन है इसमें आपको मिलेगा 64GB का इंटरनल मेमोरी, जो UFS 2.1 का स्टोरेज है और इसमें आपको रैम मिलेगा 4GB का रैम और इसमें जो कैमरा का सेक्शन है वो उसमें आपको मिलेगा क्वाड कैमरा और 48MP का आपको मेन कैमरा मिलेगा, 8MP का वाइड एंगल और 5MP आपको मैक्रो सेंसर मिलेगा और 2MP का डेप्थ मिलेगा और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और आपको 65 वाट का चार्जर इधर नहीं मिलेगा, इधर आपको मिलेगा 33 वाट का चार्जर बट ये फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा फोर्थ फोन है Samsung का A41। इसका प्राइस है 15,499 रुपीस और बैंक का डिस्काउंट लगाने के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 13,999 रुपीस और इसमें आपको 64GB इंटरनल मेमोरी और 6GB रैम मिल जाएगा और इसमें आपको 64MP का कैमरा मिलेगा और 8MP का आपको वाइड एंगल, 5MP का आपको डेप्थ कैमरा मिल जाएगा और फ्रंट में 32MP का कैमरा मिल जाएगा और इसमें आपको जो डिस्प्ले का सेक्शन है उसमें आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाएगा और 6000 mAh का ह्यूज बैटरी मिल जाएगा और इसका जो प्रोसेसर का सेक्शन है वो थोड़ा डाउनग्रेडेड है, सैमसंग का एक्सिनोस का 9601 प्रोसेसर, मतलब 9611 का प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा फिफ्थ चॉइस है सैमसंग का जो ए सीरीज का फोन था, जो 20,000 अबव इसका प्राइस था और इसका प्राइस अभी हो गया है 13,999 रुपीस। इसका जो मॉडल नंबर है वो है ए सीरीज का A50S। इसमें आप जब बैंक का डिस्काउंट लगाओगे इसका प्राइस हो जाएगा 11,900 रुपीस और इसमें आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, 4GB का रैम का स्टोरेज मिल जाएगा और इसमें जो कैमरा का सेक्शन है इसमें आपको 48MP का कैमरा मिलेगा और 8MP वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 5MP आपको डेप्थ कैमरा मिल जाएगा और 32MP का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा। और प्रोसेसर का सेक्शन में तो सैमसंग का पहला वाला प्रोसेसर है एक्सिनोस का 9611 ही प्रोसेसर आपको मिलेगा और आपको बैटरी का सेक्शन में 4000 mAh का बैटरी मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा फास्ट सिलेक्शन है पोको M2 Pro। पोको M2 Pro 12,000 में सबसे बढ़िया फोन है और उसका बाद सैमसंग का A50s, उसका बाद Realme 7 भी आप ले सकते हो और सैमसंग का A41 जो नया लॉन्च है वो भी ले सकते हो। मेरा फास्ट चॉइस
पोको M2 Pro है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर मिलता है। स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर कोई भी फोन में इस रेंज में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये फोन मेरा फर्स्ट चॉइस है। तो दोस्तों अभी मैं बोलूंगा 15-20,000 कैटेगरी में कौन सा फोन बेस्ट होगा। तो दोस्तों 15-20,000 कैटेगरी में सबसे पहला वाला फोन है मोटो फ्यूजन प्लस, जो नया लॉन्च वाला फोन है। वो फोन उस फोन का प्राइस है 15,999 रुपीज, और इस फोन में जब आप डिस्काउंट मतलब बैंक का ऑफर लगाओगे तब इसका प्राइस हो जाएगा 14,100 रुपीज, अंडर 15,000 में चलाएगा। तो दोस्तों इस फोन में जो स्पेसिफिकेशन है, 64 MP का कैमरा है, 8 MP का वाइड एंगल कैमरा है, और आपको मिल जाएगा 5 MP का एक डेप्थ कैमरा और 2 MP का एक मैक्रो कैमरा, मतलब क्वाड कैमरा का सेटअप पीछे वाला सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। और आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा 16 MP का, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर बहुत बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और इसमें आपको स्ट्रॉक एंड्रॉइड का इंटरफेस भी मिल जाएगा, मतलब आपका फोन बिल्कुल फास्ट चलेगा, स्लो नहीं होगा। तो दोस्तों इस फोन में मेमोरी का सेक्शन में भी बहुत अच्छा मेमोरी आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 128 GB का आपको इंटरनल मेमोरी का स्टोरेज मिल जाता है। उसका साथ आपको मिलता है 6 GB का रैम का सपोर्ट, और बैटरी का सेक्शन पर आपको मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी। मेरा सेकंड चॉइस है पोको X3, ये भी नया लॉन्च वाला फोन है, और इसका प्राइस है 16,999 रुपीज, और इस फोन पर बैंक का डिस्काउंट लगाने के बाद इसका प्राइस हो जाता है 15,200 रुपीज। और इस फोन का जो इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगा 64 GB मिलेगा, और 6 GB रैम मिलेगा। और इस फोन का जो प्रोसेसर का सेक्शन है, प्रोसेसर सेक्शन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 732G वाला प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर बिल्कुल नया प्रोसेसर है, और दोस्तों इस प्रोसेसर भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और आपको कैमरा का सेक्शन पर मिल जाता है 64 MP का कैमरा। उसका साथ आपको 13 MP का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2 MP का डेप्थ, 2 MP का मैक्रो कैमरा आपको मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 20 MP का कैमरा मिल जाता है पोको X3 में। और इसमें आपको बैटरी का सेक्शन पर मिलता है 6000 mAh का बैटरी, और इसमें आपको डिस्प्ले सेक्शन पर बहुत अच्छा रिफ्रेश रेट मिल जाता है, क्योंकि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। बट ये वाला स्क्रीन एमुलेट वाला स्क्रीन नहीं है, ये वाला स्क्रीन LCD एक पैनल है, LCD IPS फुल HD पैनल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बोलूंगा Realme 7 Pro, ये भी न्यू लॉन्च फोन है। इसका प्राइस है 19,999 रुपीज, मतलब 20,000 रुपीज, और बैंक का डिस्काउंट लगाने के बाद इसका प्राइस हो जाता है 18,500 ओनली। ठीक है, और इस फोन का जो मेमोरी का सेक्शन है, इस फोन का मेमोरी का में आपको मिल जाता है 128 GB का इंटरनल मेमोरी, और उसका साथ आपको मिलेगा 6 GB का रैम, और इसमें जो कैमरा का सेक्शन है, कैमरा का सेक्शन पे आपको मिल जाएगा 64 MP का कैमरा, और ये वाला कैमरा सोनी का कैमरा है, जो Realme 7 में था वही वाला ही कैमरा इस फोन पर आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको मिलेगा 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा, 2 MP का डेप्थ कैमरा, और फ्रंट में आपको मिलेगा 32 MP का सेल्फी कैमरा। और इसमें जो प्रोसेसर का सेक्शन है, इसमें आपको मिलेगा पोको M2 Pro में जो प्रोसेसर मिलता है वो वाला प्रोसेसर, 720G वाला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। ये वाला प्रोसेसर भी अच्छा है, बट इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पोको M2 Pro आपको मिल जाता है 12,000 का अंदर, और इसमें आपको सुपर एमुलेट का स्क्रीन मिल जाएगा। सुपर एमुलेट का स्क्रीन बहुत अच्छा होता है इस प्राइस रेंज का अंदर, सुपर एमुलेट का स्क्रीन बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इसमें आपको बैटरी का सेक्शन पर भी 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है, थोड़ा कम है, बट आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 65 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आपका फोन 40-45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों 10-15,000 कैटेगरी और 15-20,000 कैटेगरी में जो फोन मैंने रिकमेंड किया, ये फोन सबसे बढ़िया फोन है। तो दोस्तों ये वाला ऑफर को ग्रैब कीजिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस फोन को आप खरीदारी करो, दूसरा फोन नहीं खरीदारी करो, क्योंकि इस फोन में बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और इस तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल कर दो। नमस्कार।